तो विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया एवर आफ्टर सचिन तेंदुलकर, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो हमने विराट कोहली की फोटो और यहाँ पे क्यों लगाई है, क्योंकि विराट कोहली के कुछ स्टैट के साथ मैं आपको मैथ्स का एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ जो रिलेटेड है हमारा एवरेज के साथ में। आपने बहुत पढ़ा होगा कि किसी बैट्समैन की एवरेज इतनी है, डॉन ब्रैडमैन एक बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के जिनकी एवरेज ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। तो मैं यही समझाने वाला हूँ आपको कि एवरेज बनती कैसे है, कैलकुलेट कैसे होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर हमको पता नहीं चलता कि बैट्समैन की एवरेज निकालनी कैसे है। सपोज करो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊँगा कि एवरेज बनती कैसे है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 52, 60, 70, 0, 88 इन हिज फाइव इनिंग। पांच इनिंग के उसके स्कोर बता दिए हैं, पहले इनिंग में कितने बनाए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में कितने बनाए, हमको पता करना है। फाइंड हिज एवरेज ऑफ फाइव इनिंग, पांच इनिंग की एवरेज क्या होगी। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे 88 के साथ में स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मीनिंग होता है नॉट आउट, कि इस इनिंग में वो आउट नहीं हुआ। तो अगर वो आउट नहीं हुआ तो उसका एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं, कुछ स्टैट लेते हैं। ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, क्या रिकॉर्ड्स हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये रिकॉर्ड्स हमको दिए गए हैं। मोस्ट नॉट आउट इन ODIs, ये वो बैट्समैन हैं जो सबसे ज़्यादा बार अपनी इनिंग में नॉट आउट रहे हैं। सबसे पहला नाम हमारा यहाँ पे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आता है। महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट रह चुके हैं अपनी पूरी इनिंग्स के अंदर, 83 times। हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के एग्जांपल से, तो विराट कोहली का देखते हैं कहाँ पे। तो विराट कोहली जो है 44 times नॉट आउट रह चुके हैं, टोटल मैच 288 खेले हैं, टोटल इनिंग्स जो है वो 280 हैं। मैच और इनिंग, इसमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। मैच का मतलब है 288 मैच उन्होंने खेले, बट बैटिंग उनकी जो आई वो 280 मैचों में ही आई है, ठीक है। उसके बाद टोटल स्कोर दिए हैं और मेन चीज समझने वाली हमारी एवरेज, जिनकी एवरेज 58.67 की है, ये एवरेज बनी कैसे। अब हम लोग तो यही समझते हैं कि जो टोटल स्कोर दिए हैं उसको उनकी इनिंग्स के साथ डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज मिल जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या एवरेज ऐसे ही आती है या फिर आप जो है वो गलत सोच रहे हो। कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से इसको समझते हैं। तो कैलकुलेटर हमारे सामने आ चुका है, अब देखते हैं टोटल स्कोर कितने थे, 13848, और इसको डिवाइड करते हैं इनिंग्स 280 के साथ। 280 से डिवाइड करोगे तो देखिए आपके सामने एवरेज क्या बन के आई है, 49.4, जबकि यहाँ पे एवरेज कितनी है, 58.67। तो फिर ये एवरेज बनी कैसे है, नॉट आउट इनिंग्स के कारण। नॉट आउट इनिंग्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप देखिए कभी भी बैट्समैन जो है लास्ट बॉल पे जब चाहिए होते हैं तो आउट ना होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक रन लेंगे, अगर उनको लगेगा दूसरा रन नहीं बनता वो नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि नॉट आउट से उनकी एवरेज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो नॉट आउट से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये 44 times जब वो नॉट आउट रहा, इसको इस इनिंग में हम काउंट नहीं करेंगे। सपोज करिए मैंने 5 मैच खेले, 5 मैचों में मैंने टोटल 100 रन बनाए और मैं किसी भी मैच में आउट नहीं हुआ, तो मेरी जो एवरेज मानी जाएगी वो 100 की ही मानी जाएगी। मतलब जिस इनिंग में वो नॉट आउट रहा उसके स्कोर तो काउंट होंगे बट वो इनिंग काउंट नहीं होगी। तो क्या करना है, 280 में से आप ये 44 को निकाल दीजिए। 280 में से अगर मैं ये 44 को निकालता हूँ मेरे पास वैल्यू आती है 236, तो इनिंग जो काउंट की जाएंगी वो सिर्फ 236 काउंट की जाएंगी। स्कोर कितने हैं अब चेक कीजिए, 13848, अब इसको मैं डिवाइड करूँ अगर 236 के साथ तो अब देखिए एवरेज बन के आई है 58.67 की। तो इस तरीके से एवरेज काउंट की जाती है, जिस इनिंग में बैट्समैन नॉट आउट रहेगा उसके टोटल स्कोर तो काउंट हो जाएंगे बट उसकी इनिंग काउंट नहीं होगी। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमको पता है एवरेज निकलती कैसे है। एवरेज में सिंपली हमने क्या करना होता है, इन सारे नंबर्स को प्लस करना होता है। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो मेरी एवरेज जो बनेगी 10, उसके बाद 9, 16, 22 और 527, ठीक है, 270 इनका टोटल बनता है। डिवाइड जो मैं करूंगा, 1, 2, 3, 4, चार ही इनिंग में वो आउट हुआ है, पांचवी इनिंग में आउट नहीं हुआ, तो इसलिए इसको डिवाइड 4 से करूंगा ना कि 5 से करूंगा। तो यहां से जो इसकी एवरेज बन के आएगी वो मेरी आएगी 67.5 की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा एवरेज कैसे काउंट होती है और नॉट आउट इनिंग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है।